One, two, three, go. Hi, what's up and welcome back to my channel. Finally, हमारी खुद की पर्सनल फैशन ब्रांड वेबसाइट लाइव हो चुकी है एंड उस पर मैंने लाइक खुद के क्यूरेटेड लाइक फ्रॉम द स्क्रैच वाले डिजाइन निकाले हैं एंड साथ के साथ जैसा कि तुम मेरे को हमेशा सजेस्ट करते हो कि सोनिया दी थ्रिफ्ट आइटम्स भी सेल करो तो उसमें मेरे खुद के पर्सनलाइज मतलब पर्सनली सेलेक्टेड किए हुए वाले थ्रिफ्ट पीसेज भी है तो आओ सारी चीजें एक एक करके ट्राई करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हमारे पास एक वाइट सैटिन फैब्रिक में कोऑर्डिनेट सेट, ये उसका टॉप है. बट ये कैसा टॉप है सोनिया, आओ इसे पहनते हैं. इट्स सो प्रिटी आई एम टेलिंग यू. तो पहले तो इसको ऐसे पहनना है लाइक नॉर्मल टॉप हाफ वे देयर एंड नेक को हमें ऐसे डालना है. It's so easy. I love summers, I'm telling you. So this is the top. Yes, it's completely backless, but it's too comfortable. Like जो इसका इतना मोटा band वाला support है, oh my god, I made sure कि अच्छे से support दे पाए. You can choose to wear pasties inside, no problem in that. But you can also choose not to wear anything because ये बिल्कुल भी transparent नहीं है. इसमें lining तक भी है. लेकिन इसके नीचे, oh my god, best part. It's a long skirt, वो भी पूरा satin में. ये आराम से फिट आ गई and इसके साइड में चेन भी है. ta-da, this is how it looks like. मैंने extra small size try किया है अपना size, लेकिन इसमें और भी sizes available है. You can check that out on the website. Links नीचे description box में है. लेकिन this skirt is no ordinary skirt. जो इसका flare है बहुत ही ज्यादा ध्यान से ऐसे like mermaid वाला cut दिया है हमने. flare आ रहा है वो नीचे. It's so dreamy, so elegant. मतलब मैं पूरे दिन पहन के इसे घूम सकती हूँ and it's comfortable as well. देखो मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है कि मुझे सुंदर तो दिखना लेकिन अपने कंफर्ट में भी. तो ऊपर टॉप एंड स्कर्ट दोनों में ही प्रॉपर लाइनिंग है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो यू गोना बी कंफर्टेबल द एंटायर डे. नेक्स्ट वी हैव अनदर कोऑर्डिनेट सेट. आई गेस काफी लोगों ने इसको ऑलरेडी देख लिया होगा क्योंकि हमने इसको सॉर्ट ऑफ प्री लॉन्च करा था एंड ये अभी तक मेरा फेवरेट आउटफिट है. इसे बहुत ईजी है पहनना. You just have to wear it like a top, लेकिन ये दिखने में बहुत ही नॉर्मल ट्यूब टॉप लग रहा होगा लेकिन इसके साथ है बिल्ट इन या फिर अटैच स्कार्फ जो इसको तुम जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो. पूरी पू वाली वाइब आ रही है मेरे को पता है. इसके साथ वी हैव मैचिंग स्कर्ट एज वेल. ओ माय गॉड, सबसे पहली बात इसका फैब्रिक इतना ज्यादा वाला सॉफ्ट है, मतलब मक्खन की तरह तुम इसे पहन सकते हो. इट्स सो स्मूथ ऑन स्किन. इस स्कर्ट में भी साइड जिपर है सो इट्स लाइक रियली इजी टू गेट इनटू इट एंड वी आर डन. देखो मेरा आइडिया था कि जो इसकी स्कर्ट होनी चाहिए ना वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होनी चाहिए. तो इसमें फ्रिल्स है, लेयर्स है, फ्लावर्स है एंड ऐसे एक और बड़ा वाला स्कार्फ है जिसको तुम या तो टाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे लूज भी बहुत अच्छा लग रहा है. अगेन मैंने इस वाले आउटफिट में अपना साइज एक्स्ट्रा स्मॉल पहना हुआ है लेकिन इसमें और भी साइजेस अवेलेबल है. अगेन यू कैन चेक दैट आउट ऑन दी वेबसाइट. लेकिन ये ओवरऑल बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है. इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड अभी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है ना तो इट्स वेरी वेरी ब्रीदेबल. बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही. चिपी चिपी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है एंड इट्स सो क्यूट. लाइक पीपल आर जेन आज की भाई कहा से लिए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है. जो ये ड्रेस है, अरे ये ड्रेस नहीं मतलब जो ये कोऑर्डिनेट सेट है मतलब तुम इसे जैसे चाहो वैसे तो स्टाइल कर ही सकते हो लेकिन ओवरऑल एक साथ पहने हुए ये फुल ऑन बार्बी जैसी वाइब नहीं दे रहा. लाइक प्यारी प्यारी हील्स एंड हैंडबैग एंड जस्ट वेयर योर सनग्लासेस, तुम समर रेडी हो. नेक्स्ट हमारे पास है एक बहुत ही प्यारा सा टॉप ऐसे ऑर्गेन्जा इन सैटिन फैब्रिक में. आई लव ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक स्पेशली फॉर समर्स. इतना ज्यादा लाइक प्रिटी एंड ड्रीमी वाली वाइब देती है एंड काफी हल्का होता है तो लाइक हवा भी आती रहती है. इसके आराम से आ गए मुझे. अगेन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, मोस्ट साइजेस अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट. मेरे को इतना मजा आ रहा है लाइक खुद की कलेक्शन ट्राई ऑन करते हुए. सच अ ड्रीम आई एम टेलिंग यू. जब हमने पूरी यूट्यूब या फिर फैशन ब्लॉगिंग वाली जर्नी स्टार्ट करी थी आई नेवर इमेजिनड कि लाइक ब्रांड होगा और अब तो मैं ट्राई भी कर रही हूँ उसके कपड़े. भाई साहब दिस इज सो अनरियल. दिस फीलिंग बहते नहीं है काम पे आते. ये ऐसे तुम टाई अप भी कर सकते हो एंड बेस्ट पार्ट है कि जो ये स्लीव्स है ना या तो तुम इसे ऊपर भी रख सकते हो, ये क्यूट लग रहा है, या फिर इसे गिरते भी रहने तो बहुत ही सुंदर लग रहा है. पीछे बहुत ही मस्त ऐसे क्रिस क्रॉस मैंने आपने बंद नहीं किया, ऐसे प्यारा सा क्रिस क्रॉस भी दे रखा है तो हल्का सा कॉर्सेट वाला वाइब भी आ रहा है लेकिन पीछे से तो तुम इसे टाइट लूज कैसे भी कर सकते हो. इट्स एडजस्टेबल. इसमें ना लाइक सादा स्टाइलिंग की जरूरत नहीं क्योंकि टॉप इन इटसेल्फ बहुत ही ज्यादा प्रिटी एंड ड्रीमी लुकिंग है. तो ऐसा लग रहा है कि सारी टेंशन इसी ने ग्रैब कर रखी है. तो अगर तुम बेसिक जीन्स या शॉर्ट्स या फिर स्कर्ट के साथ भी यू नो पेयर अप करोगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है. जो हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट में जो सैटिन स्कर्ट थी, मेरे को लग रहा है इसके साथ भी ये टॉप कितना ज्यादा प्रिटी लगेगा. ये बेस्ट पार्ट होता है कोऑर्डिनेट सेट्स का. एंड एक और बेस्ट पार्ट ये है कि वेबसाइट पे ना
जितने भी कोऑर्डिनेट सेट्स है ना, मतलब तुम उन्हें एज अ सेट भी परचेज कर सकते हो एंड इंडिविजुअली भी. लाइक स्कर्ट अगर तुम्हें अलग से लेनी हो, टॉप कुछ अलग से लेना हो, तो वैसे भी परचेज कर सकते हो. अरे हम तो है ही कमाल, थैंक यू बाद में बोलना. तो ये थी अभी तक की हमारी कलेक्शन, लेकिन अब बारी है थ्रिफ्ट पीसेस की, जो कि मैंने खुद पर्सनली तुम सबके लिए चूज करे अपने हाथों से और अपने दिमाग से भी. तो सबसे पहले मेरे पास ये बहुत ही प्यारा ऐसे समरी वाला कवर अप. भाई साहब मैं ये वाले कवर अप कॉलेज टाइम पे इतने ज्यादा पहन के जाती थी. लाइक अंदर एक बस कैमी टॉप पहन लो, टी शर्ट पहन लो एंड ऊपर मस्त प्यारा सा कवर अप. मतलब तुम्हें धूप से ही बचा रहा है एंड तुम्हें क्यूट भी बना रहा है. ये वाला लाइक बिल्कुल ही ऐसे ट्रांसपेरेंट सा है, लेकिन इसका प्रिंट वगैरह ऐसे झालर इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है. मैं बता रही हूँ ये फ्री साइज में है. लाइक जैसे मेरे पास ओवर साइज आ रहा है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है. इतना हल्का, इतना प्यारा. लेकिन तुम मुझे बताओ लाइक आगे के लिए कि तुम्हें ऐसे जो है ना अंदर बेसिक्स पहने हुए ऐसी वाली कलेक्शन भी हमें निकालनी चाहिए क्या, या फिर ऐसे यूनिक थ्रिफ्ट वाले पीसेज? लाइक लेट मी नो, गिव मी सजेशंस, वी आर ऑल अप फॉर इट. नेक्स्ट थ्रिफ्ट पीस है हमारे पास इतनी प्यारी सी लॉन्ग में स्कर्ट. मतलब तुम इसे कॉलेज भी पहन के जा सकते हो या फिर कहीं भी पहन के जा सकते हो यार. एंड इट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट. लेकिन जो ये टाई अप्स है ना, ये एडजस्टेबल नहीं है, ये बस ऐसे शो के लिए मैं पहले ही बता रही हूँ. एंड ये मेरे को तो आराम से फिट आ गया एक्स्ट्रा स्मॉल में. आई गेस स्मॉल, आई गेस मीडियम, यार ये काफी खुला है. ऑल्सो टू मेक इट मोर इजियर, मैं वेबसाइट पे ना जितने भी थ्रिफ्ट पीसेज है उनके मेजरमेंट अच्छे से लिख दूंगी ताकि तुम्हें ईजी हो यू नो अपना डिसीजन लेने में. लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि बेसिक्स के साथ भी कितने ज्यादा अच्छा लग रहा है. जो ये स्कर्ट है भाई साहब, ये पूरी ही पिंटरेस्टी वाइब दे रही है. लाइक इट्स सो वेवी. लाइक जो वेवी पैटर्न आजकल कितना ज्यादा पॉपुलर है एंड इट्स मल्टी कलर, प्लस ये बहुत ही हल्के कलर में मल्टी कलर है, तो ऐसे समरी भी कितना ज्यादा लग रहा है. इट्स लुकिंग सो प्रिटी. नेक्स्ट मेरे पास है बहुत ही प्यारी ऐसे ब्राउन कलर में डेनिम स्कर्ट. इस पे वैसे मीडियम साइज लिखा हुआ है एंड ये मेरे पे थोड़ी सी लूज एंड बड़ी भी आ ही रही है. तो यार If you like it, you can choose it. इसके ऊपर वैसे ये दोनों चीजें अलग अलग है, बट मेरे को ना एक साथ इतनी प्यारी लगी तो मैंने सोचा कि इसको एक सेट बनाया जाए. लेकिन तुम इसको अलग अलग भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि जो ये ऑर्गेन्जा शर्ट है इसके ऊपर लार्ज साइज लिखा हुआ है एंड स्कर्ट मीडियम साइज में है. तो यार चॉइसेस ऑल योर्स, अगर तुम्हें साथ में भी परचेज करना है या फिर अलग अलग भी देख सकते हो. तुम भी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के हो मेरी तरह, एंड अगर तुम्हें ऐसे ओवर साइज फिट पसंद है, ऐसा कुछ पहनना चाहते हो, तो तुम इसको एज इट इज भी पहन सकते हो. जरूरी नहीं कि इस पे जो साइज लिखे हैं हमें वही फॉलो करना. नो, ये एज इट इज भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है. ये शॉर्ट कितनी ज्यादा कूल है. इस पूरा ऑर्गेन्जा हल्का हल्का ऐसे शाइन भी मार रहा है. मैं कह रही हूँ अगर तुम्हारे ऑफिस में ऐसी वाली चीजें अलाउड है, डू वेयर इट. लुक सो स्टाइलिश येट सिंपल एट द सेम टाइम. समर्स में स्कर्ट का कलेक्शन बहुत ही अच्छा आया हुआ है हमारे पास, जरूर चेक करिए. वी हैव अनदर स्कर्ट, ये प्रॉपर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आ रही है, वो भी थोड़ा हाई वेस्ट में. तो यार इट्स लाइक प्रॉपर फिटेड यहाँ से. लेकिन इसका ये वाला इफेक्ट कितना ज्यादा अच्छा है. इट्स लाइक वेरी प्यारा सा हाई लो, लाइक हल्की हल्की बैलेरीना वाली फील आ रही है. इट्स सो क्यूट एंड कंफर्टेबल. इसके अंदर लाइनिंग भी दे रखे है एज यू कैन सी. तो यार ये ट्रांसपेरेंट नहीं है उस वे में. इसके अंदर एक एंड फिर ये एक और दो लाइनिंग दे रखी है इसके ऊपर. एंड ये खुद में भी एक लाइनिंग ही है, इतना पतला सा फैब्रिक है. मेरे को इसके ऊपर ऐसे गिनम वाला इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. इट्स सो नाइस एंड यू नो एट द सेम टाइम वेरी क्लासिक प्रिंट टू हैव इन योर वार्डरोब. एट द सेम टाइम मतलब ये ज्यादा अटेंशन भी नहीं ग्रैब कर रहा, सिंपल भी लग रहा है, बट स्टाइलिश भी है. यू नो इट हैज लाइक ऑल द थिंग्स इन इट, तो व्हाई नॉट. लेकिन सिर्फ यही नहीं गाइस, वेबसाइट पे और भी थ्रिफ्ट कलेक्शन है एंड हमारी खुद की और न्यू कलेक्शन बन रही है. बिहाइंड द सीन्स पूरा काम चल रहा है, तो तुम उसकी चिंता मत करो. और न्यू यूनिक आने वाले हैं. लेकिन तुम्हें मुझे बता दें कि आज की वीडियो में से तुम्हारा फेवरेट आउटफिट हमारी कलेक्शन में से या फिर थ्रिफ्ट पीसेस में से भी कौन सा था, या फिर पर्सनली भी तुम कौन सा पहनना चाहोगे किसी भी ओकेजन के लिए. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. टिल द लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मैं दूसरी वीडियो में मिलती हूँ. एंड प्लीज वेबसाइट जरूर चेक करना, ऐसे विजिट ही कर लो, मतलब थोड़ा सा हाई हेलो हो जाएगा. ओके बाय.